ज़ापोरिज़्या के पास यूक्रेन की मिलिट्री ड्रिल चल रही है, ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग करते दिखा है वहां पर जवान। ये यूक्रेन की मिलिट्री ड्रिल है, यूक्रेनी जवानों की रॉकेट लॉन्चर से हमले की ट्रेनिंग के विजुअल्स भी सामने आए। और एक और बड़ी खबर है, देखिए वॉर जोन से आया है यूक्रेन की आर्मी की बर्बरता का वीडियो। बोट पर सवार शख्स पर यूक्रेन आर्मी ने आर्टिलरी से अटैक किया है। यूक्रेन के जासूसी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है ये पूरी तस्वीर। ड्रोन देखकर जान बचाने की गुहार लगा रहा था शख्स, लेकिन उसके बावजूद यहां पर यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने उस शख्स को ड्रोन से देखकर उस पर अपने तोप के मुंह को खोल दिया और कैसे गोले से उसको उड़ा कर रख दिया। आप देखिए, ये आर्टिलरी यूनिट है यूक्रेन की, इसको आप बर्बरता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की बड़ी धमकी सामने आई है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि कीव को कुचलने के बाद ही युद्ध खत्म होगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि कीव के पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही यूक्रेनी नेतृत्व शांत होगा। यूक्रेन को विफल करने के लिए सामूहिक विनाश जरूरी है, यह कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने।